हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुमार है और डिजिटल चैनल में आपका स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपने सभी फ्रेंड्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मेरे वीडियोस को व्यू किया, उन्हें लाइक्स किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। एंड फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में जानेंगे ABS क्या होता है, बिना ABS वाले व्हीकल में टायर क्यों लॉक होते हैं, ABS क्या काम करता है, ABS की जरूरत हमें क्यों पड़ी, ABS के मेन पार्ट्स क्या क्या हैं और वो कैसे काम करते हैं, और ABS के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। ABS मींस एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। ये ऑटोमोबाइल का एक सेफ्टी सिस्टम है जो व्हील को लॉक होने से बचाता है जब हम ब्रेक लगाते हैं। सो इसका मेन पर्पज ये है कि अगर हम फुल स्पीड में ब्रेक लगाते हैं, मींस अगर हमारा व्हीकल फुल स्पीड में है और सडनली तब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो हमारा स्टेयरिंग पर कंट्रोल बना रहता है और गाड़ी स्किड भी नहीं करती है। ये इमरजेंसी ब्रेकिंग में हेल्पफुल होता है बिकॉज कभी कभी हमारे सामने कोई भी ऑब्जेक्ट एकदम से आ जाता है तो जो डिस्टेंस होता है हमारे और ऑब्जेक्ट के बीच में वो बहुत कम होता है। इस कंडीशन में अगर हम नॉर्मल ब्रेक वाली गाड़ी चला रहे हैं तो एक्सीडेंट के चांस बढ़ जाते हैं, और अगर हमारे व्हीकल में ABS लगा होता है तो हम व्हीकल को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं और एक्सीडेंट के चांस को कम कर सकते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि विदाउट ABS में व्हीकल ऑब्जेक्ट से टकरा जाता है, और ABS में हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तब स्टेयरिंग को कंट्रोल कर सकते हैं जिससे कि हम ऑब्जेक्ट को बचा सकते हैं। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले ABS को 1920 में फ्रेंच ऑटोमोबाइल और एरोनॉटिकल इंजीनियर गैब्रियल विजियन ने इन्वेंट किया था, जिसे सबसे पहले एयरक्राफ्ट में टायर के स्लिपेज को रिड्यूस करने के लिए यूज किया गया था। उसके बाद बाइक्स एंड अदर व्हीकल्स में इसका यूज किया जाने लगा। फर्स्ट हम जानेंगे कि व्हील कैसे लॉक होते हैं। जब हम ब्रेक लगाते हैं तो जो फोर्स अप्लाई होता है, अगर वो फोर्स रोड और टायर के बीच उत्पन्न हुए फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है तो व्हील लॉक हो जाते हैं। ऐसा स्लिपरी रोड पर घबराहट में लगाए हुए ब्रेक से होता है। जब फ्रंट व्हील लॉक हो जाता है तो व्हीकल मूविंग डायरेक्शन में स्लाइड होता है। ये एक प्रकार से इम्पॉसिबल हो जाता है कि हम लॉक व्हील में व्हीकल को इधर उधर स्टीयर कर सके। लॉक व्हील एक्सीडेंट का कारण भी बनता है, और लॉक व्हील से व्हीकल स्किड करता है जिससे टायर की लाइफ भी कम हो जाती है। अब हम जानेंगे कि इन सिचुएशंस में ABS क्या काम करता है। ABS सिस्टम पता लगाता है कि जब व्हील लॉक होने वाला है तो ABS प्रेशर को रिलीज कर देता है, मींस कम कर देता है, जिससे कि व्हील फ्री हो जाता है। व्हील के फ्री होते ही ABS फिर से ब्रेक को अप्लाई कर देता है। इसमें मैग्नेटिक सेंसर को प्रत्येक व्हील के साथ जोड़ा जाता है जो कि व्हील की स्पीड को मेजर करता है और उसे ECU तक पहुंचाता है। ECU means इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। जब व्हील लॉक होने को होता है तो ECU एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है मॉड्यूलेटर वाल्व को, जो कि प्रेशर को ब्रेक चैम्बर से रिलीज कर देता है। जब व्हील पूरी तरह से अनलॉक हो जाता है तो ब्रेक प्रेशर फिर से अप्लाई हो जाता है। जो मॉड्यूलेटर वाल्व होता है वो ब्रेक को अप्लाई करने की एक प्रक्रिया है जो कि प्रेशर को मेंटेन करता है, ब्रेकिंग प्रोसेस को बेहतर ढंग से उपयोग करता है। जो मॉड्यूलेटर वाल्व का प्रोसेस होता है वो एक सेकेंड में 5 से 6 बार रिपीट होता है, जब तक कि व्हीकल पूरी तरह से स्टॉप नहीं होता, ये प्रोसेस चलता रहता है। ABS वाले व्हीकल पर जब ड्राइवर लगातार ब्रेक को अप्लाई करता है तब भी व्हीकल पूरी तरह से संतुलित होता है, जिससे कि एक्सीडेंट से बचा जा सकता है। आप इमेज में देख सकते हैं कि ABS के डिफरेंट पार्ट्स कहाँ कहाँ लोकेट किए गए हैं। अब हम बात करते हैं कि ABS की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। फर्स्ट, जब हम व्हीकल को रोकने के लिए पूरी तरह से ब्रेक लगा देते हैं तब व्हील और रोड के बीच का कॉन्टैक्ट एरिया कम हो जाता है और व्हील लॉक हो जाता है, जिससे कि व्हीकल स्किड करने लग जाता है। सेकंड, जब व्हील और रोड का संकर्षण कम हो जाता है उन केसेज में जब सतह गीली या बर्फीली होती है, जिससे कि व्हील स्लिप करता है और जो व्हीकल का रुकने का डिस्टेंस है
वो बढ़ जाता है। मीन्स अगर हमारा व्हीकल एक नॉर्मल सरफेस पर 10 मीटर में रुकता है तो वो वेट और आईसी सरफेस पर 15 मीटर में रुकेगा। थर्ड, जब ड्राइवर पूरी तरह से ब्रेक लगाता है और व्हीकल को मोड़ने की कोशिश करता है बट स्टेयरिंग उन कंडीशंस में काम नहीं करता क्योंकि व्हील लॉक हो चुके हैं जिससे कि वो व्हीकल को मोड़ने में असमर्थ हो जाता है। सो इन सब रीजंस की वजह से हमें ABS की ज़रूरत पड़ी। अब हम जानेंगे कि ABS कैसे काम करता है। सो मेनली इसमें 3 थिंग्स होती है, फर्स्ट व्हील स्पीड सेंसर, सेकंड इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट मींस ECU एंड थर्ड हाइड्रोलिक वाल्व। सो पहले हम व्हील स्पीड सेंसर की बात करें तो ये एक विद्युत चुंबकीय उपकरण है जो कि रोटेटिंग टूथ व्हील से जुड़ा होता है जो कि लगातार व्हील की प्रक्रिया का निरीक्षण करता है और ये एक समय अंतराल के दौरान ECU को सूचना देता रहता है। सेकंड है वो है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, ये एक माइक्रो कंप्यूटर है जो ABS में ब्रेन की तरह काम करता है। ECU प्रत्येक व्हील सेंसर से डाटा प्राप्त करता है। जब व्हील लॉक होने को होते हैं तो ECU हाइड्रोलिक वाल्व को कमांड भेजता है प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। और जो थर्ड है वो है हाइड्रोलिक वाल्व, ये ECU के द्वारा मिली हुई कमांड को फॉलो करते हुए प्रेशर को रिलीज एंड अप्लाई करता है। अगर हम ABS के बेनिफिट्स की बात करें तो ये ब्रेक के दौरान स्टीयरिंग की क्षमता और व्हीकल की स्थिरता को बढ़ाता है। अगर ECU काम करना बंद हो जाता है तो ABS ऑफ हो जाता है जिससे कि नॉर्मल ब्रेकिंग यूज की जा सकती है। ABS कंपनी स्टैंडर्ड के अनुकूल हाथ से बनाया हुआ और कंप्यूटर बेस्ड डायग्नोस्टिक टूल है। ये ड्राइवर या टेक्नीशियन को सूचित कर देता है जब ABS में कोई भी फॉल्ट घटित होता है। सो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।